Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to start chapter number 3 of class 6 new NCERT for science. The name of the book is Curiosity. So we have already done chapter 1 and 2. You can watch all the chapters. The links are there in the description box. In this video, we will start chapter number 3. This is part 1 of chapter 3. So in starting, you can see a Subhashit wise saying is given here. Let us just read it together and understand the meaning of this saying. कोयरुक 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 हितभुक मितभुक ऋतुभुक कोयरुक मतलब कौन निरोगी है हु इज हेल्दी सो कौन निरोगी होगा जो इस तीन तरीके को फॉलो करेगा पहला हितभुक मतलब हु ईट्स फूड दैट इज होलसम जो शरीर को जरूरत है सभी पोषक तत्व से युक्त खाना खाएगा उसका शरीर हमेशा निरोगी रहेगा मितभुक मतलब इन मॉडरेट क्वांटिटीज ना ज्यादा खाना खाएगा ना कम उसका शरीर निरोगी रहेगा और ऋतु भूख मतलब ऋतु के हिसाब से सीजन के हिसाब से जो चीजें उस सीजन में उगती हैं वो खाई जाए तो हम निरोगी रहेंगे सो एन अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन टाइम एंड प्लेस जगह के हिसाब से सीजन के हिसाब से ना कम ना ज्यादा खाना खाने वाला और ऐसा खाना जिसमें सभी पोषक तत्व हो अगर हम खाएं तो हम निरोगी रहेंगे ओके अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं मेदू एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे टुडेज थॉट अनेन जातानि जीवन्ति मेक्स देम क्यूरियस मिष्टी टेल्स मेदू दैट इट इज अ संस्कृत सेइंग व्हिच मींस फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का विचार थॉट ऑफ द डे अनेन जातानि जीवन्ति व्हाट डज इट मींस ये जो थॉट है ये तैतरीय उपनिषद से लिया गया है उपनिषद एक बुक है जिसके बारे में आप आगे की क्लासेस में या आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे इस बुक से लिया गया है थॉट इसका मतलब क्या है तो यहाँ पर मिष्टी बताती है कि इसका मतलब है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स खाना जो है जीव को जीवन देता है खाने की वजह से हम लोग जीवित रहते हैं कैसे सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग इस सेइंग का ये जो कहावत अभी हमने सुनी कि अनेन जातानि जीवन्ति इसको कैसे हम देख सकते हैं रियल लाइफ में सो चलिए आगे देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू व्हाट डू वी ईट क्या हम खाते हैं सो लेट अस रिकॉर्ड करना है क्या ऑल All of us eat food every day. Food is an essential component of our daily life. List the food items you have consumed over the week in table 3.1. So, हम सभी लोग अलग-अलग प्रकार का खाना खाते हैं, तो आपने last week में याद करना है आपने क्या-क्या खाया और यहाँ table में आपको mention करना है. जैसे मैं example दे रही हूँ कि Monday को दाल चावल, Tuesday को पूरी सब्जी, Wednesday को राजमा चावल, Thursday को इडली सांभर, Friday को डोसा, Saturday को कढ़ी चावल, Sunday को दाल रोटी. ये मैंने example दिया आपको जो भी याद आए आप जो भी recall कर पाए वो आप यहाँ पर लिखेंगे थी? अब आगे देखते हैं व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड इन टेबल 3.1 डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू योर चॉइसेस वरी सो आपको यहाँ बताना है कि जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया उससे आपको क्या निष्कर्ष निकलता है क्या आप रोज एक ही खाना खाते हैं या फिर अलग अलग खाते हैं कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स फाइंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड आपको अपनी लिस्ट को जो भी आपने बनाई अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करना है और देखना उसमें सिमिलैरिटीज क्या है और अलग अलग चीजें क्या है डिफरेंसेस क्या है ओके व्हाट डिड यू फाइंड रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो आप नोटबुक में लिखेंगे यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज अ वैरायटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपके फ्रेंड्स और आप जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी विभिन्नता है अलग अलग प्रकार के डिशेज हैं नाउ डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ आर कंट्री ये जो फूड की अलग अलग हमने वैरायटी देखी तो आपको क्या लगता है इंडिया के हर स्टेट में ऐसी वैरायटी है तो चलिए समझते हैं फूड इन डिफरेंट रीजन अलग अलग इलाके में कैसा फूड मिलता है सो एक्टिविटी है लेट अस एक्सप्लोर फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया अलग अलग स्टेट्स में कौन से क्रॉप्स यानी फसल उगाई जाती है वहां का ट्रेडिशनल खाना क्या है ये पता करेंगे यू मे रेफर टू बुक इन योर लाइब्रेरी सर्च द इंटरनेट एंड इंटरैक्ट विद योर फ्रेंड फैमिली एंड नेबर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन आप नेट की सहायता ले सकते हैं या फिर अपने नेबर से पूछ सकते हैं अपने फैमिली मेंबर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इन टेबल 3.2 ऐड मोर स्टेट्स एंड फिल द कलेक्टेड डेटा अ फ्यू एग्जांपल्स आर ऑलरेडी डन सो टेबल 3.2 सम ट्रेडिशनल फूड आइटम्स इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया इंडिया के अलग अलग स्टेट में कौन से वहाँ के ट्रेडिशनल फूड आइटम है इनके बारे में चार्ट दिया हुआ है जिसमें स्टेट का नाम दिया है लोकली ग्रोन क्रॉप्स मतलब वहाँ पर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन कौन सा भोजन वहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम है वो बताया गया है और बेवरेज
बेवरेजेस मतलब होते हैं लिक्विड ड्रिंक्स जो आप पीते हैं। सो पहला है पंजाब, यहाँ पर मेज, वीट, चिकपी, पल्सेस, मकई, गेहूं, चना, दाल, इनकी फसल उगाई जाती है। और यहाँ पर क्या है ट्रेडिशनल फूड, मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, ये सब यहाँ ट्रेडिशनली खाया जाता है। और बेवरेजेस यानी पीने के लिए वो लोग क्या यूज करते हैं, लस्सी, छाछ, बटर मिल्क या फिर मिल्क और टी। फिर कर्नाटका में राइस, रागी, उड़द, कोकोनट, ये फसल उगाई जाती है। इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी, मुदे, पलिया, रसम, राइस, ये सब वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है। बटर मिल्क, कॉफी, टी, ये सब बेवरेजेस हैं। देन मणिपुर में राइस, बैम्बू, सोयाबीन, ये सब फसल उगाई जाती है। राइस, एरोम्बा, एरोम्बा मतलब चटनी, उती, येलो पीस एंड ग्रीन अनियन करी, सिंगजू एंड कांगसोई, तो मणिपुर के ये सारे ट्रेडिशनल फूड आइटम है। सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग एनी नेम, ओके। देन बेवरेजेस क्या है, ब्लैक टी। ऐसे हमें और स्टेट्स का बताना है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बिहार, यहाँ के लोकली ग्रोन क्रॉप्स है राइस, पल्सेस, लिट्टी चोखा यहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम है। वैसे तो बहुत सारे फूड आइटम है, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ऐसे बेवरेजेस पीने में वो लोग बटर मिल्क, छाछ, ये सब यूज करते हैं। तो ऐसे ही आप अपने अपने स्टेट्स का कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम लोग जान सके कि कौन कहाँ से है और वहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम क्या है। राइट, नाउ नेक्स्ट है, व्हाई डू वी सी सच डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में अलग अलग राज्य में इतनी सारी डाइवर्सिटी क्यों है फूड आइटम में। एनालाइज द डेटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस मेनी स्टेट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स। यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मेनी स्टेट्स व्हाइल सम आर ईटन ओनली इन अ पर्टिकुलर स्टेट। आपने जो डेटा अभी लिखा, आप देखेंगे कि कुछ भोजन तो ऐसा है कि सभी स्टेट्स में या बहुत सारे स्टेट्स में कॉमन है, जैसे कि राइस ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, ये तो बहुत जगह पर खाया जाता है। लेकिन कुछ स्पेशल फूड आइटम्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में ही खाया जाता है। राइट, सो ये आपको लिस्ट बनानी है कि कौन सी चीजें सेम है जो बहुत सारे स्टेट्स में खाई जाती है। व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम एंड द लोकली ग्रोन क्रॉप। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट स्टेट। आपको क्या एक रिलेशन दिखता है कि जो भी उस रीजन का लोकली ग्रोन क्रॉप है, सो इसी लोकली ग्रोन क्रॉप से वहां का ट्रेडिशनल फूड आइटम भी रिलेटेड है, मतलब इसी अनाज को यूज करके वो लोग ट्रेडिशनल फूड आइटम बनाते हैं। सो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। सो ये जो अलग अलग फूड आइटम आप देख रहे हैं या लोकली ग्रोन क्रॉप्स आप देख रहे हैं, क्यों है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी टाइप्स की मिट्टी मिलती है अलग अलग रीजन में, और बहुत सारे टाइप के क्लाइमेट्स आप फील करेंगे। सो सॉइल के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से ये चेंजेस आते हैं फूड क्रॉप्स को उगाने में। इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया द चॉइस ऑफ फूड मे वेरी अकॉर्डिंग टू कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप इन दैट पर्टिकुलर रीजन, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कल्चर एंड ट्रेडिशन। सो किसी भी रीजन का ट्रेडिशन कैसा है, वहाँ के टेस्ट प्रेफरेंस कैसी है, लोगों को कैसा खाना पसंद है, उस जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, ट्रेडिशनल कल्चर कैसा है, सो ये सब डिपेंड करता है कि वहां पर कौन सी क्रॉप उगाई जाएगी। ओके, देन हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिस चेंज्ड ओवर टाइम। खाने बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या चेंजेस आए हैं समय के साथ। सो यू हैव लर्न्ड दैट फूड हैबिट्स वरी अक्रॉस स्टेट्स, आर फूड चॉइसेस एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रिपरेशन मे डिफर फ्रॉम वन अनदर। हैव योर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। सो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है, जैसे टेस्ट अलग अलग होते हैं हर रीजन के हिसाब से, वैसे ही खाना बनाने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। जानते हैं एक्टिविटी से, लेट अस इंटरैक्ट एंड फाइंड आउट। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैंपल क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन रेडी करने हैं और अपने बड़ों से जाकर पूछना है कि उनके समय के हिसाब से आज के समय में खाना बनाने की प्रक्रिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल eat and what is new, कि आप पहले जो खाना खाते थे वो अभी भी खाते हैं कि नहीं, या कुछ चेंजेस है फूड आइटम्स में, कुछ नया आप खाते हैं क्या आजकल, इस टाइप के क्वेश्चन। देन व्हाट आर चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम, खाना बनाने की प्रक्रिया में क्या क्या चेंज आया है, व्हाट हैज कॉज दीज चेंजेस, किन कारणों से ये चेंज आया है। फिर ऐसे क्वेश्चन आप इकट्ठा करके यू कैन कंडक्ट सम इंटरव्यू विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रिपेयर्ड। अपने बड़ों से फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चूल्हा है जिसपे हम ट्रेडिशनली स्टोव कहते हैं, इस पर खाना
खाना बनाया जाता था, अब इसकी जगह ले ली है मॉडर्न गैस स्टोव ने। ऐसे ही सिलबट्टा यहाँ पर स्टोन ग्राइंडर है जिस पर कि मसाला वगैरह पीसा जाता था, अब इसकी जगह किसने ले ली है? इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर ने। सो ये सब हम चेंजेस देखते हैं कुकिंग टूल्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे ही दिया है, व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यू यू कंडक्टेड। जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, मतलब अपने बड़ों से पूछेंगे, तो आपको क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेगी। सो कुकिंग प्रैक्टिसेस आल्सो कॉल्ड कल्नरी प्रैक्टिस हैव चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कल्नरी प्रैक्टिस। खाना बनाने की प्रक्रिया को हम कल्नरी प्रैक्टिस भी बोलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। कैसे? अर्लियर मोस्ट कुकिंग वॉज डन यूजिंग चूल्हा, नाउअडेज मोस्ट ऑफ अस यूज मॉडर्न गैस स्टोव। अभी मैंने आपको इमेज दिखाई, चूल्हे की जगह अब हम मॉडर्न गैस स्टोव यूज करते हैं। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वाज डन मैन्युअली यूजिंग सिलबट्टा, पहले ग्राइंडिंग का काम सिलबट्टा से होता था, दीस डेज वी यूज इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर ईज ऑफ ग्राइंडिंग। अब हम मशीन के थ्रू ग्राइंडिंग का प्रोसेस करते हैं। फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग, व्हाई हैव दीज कल्नरी प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। दीज चेंजेस मे बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन। सो ये सब जो चेंजेस है क्यों आए, जितने भी हम चेंजेस देख रहे हैं इसके आने का कारण क्या हो सकता है? सो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। ये सब सुविधाएं पहले थी ही नहीं, तो इसलिए ऐसे उपकरण नहीं थे। आज के समय में ये सुविधाएं हैं, इसलिए हम नए डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन, अब एक जगह की चीज दूसरी जगह इजिली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी नई डेवलपमेंट्स हैं, मशीन नई बन रही है, तो अब किसी भी पार्ट में ये आसानी से पहुंच जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। फिर ऐसे ही बेटर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, ठीक है। तो आजकल इतने सारे मीडियम्स हैं, जैसे कि टीवी है, सोशल मीडिया है, यहाँ से हमें नई नई जानकारियों के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से एक ये भी कारण है कि हमारी कल्नरी प्रैक्टिसेस में चेंजेस आए हैं। चलिए अब आगे रीड करने से पहले एक टॉपिक समझ लेते हैं, फिर रीड करेंगे। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस इन फूड दैट योर बॉडी नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली थ्रू आउट द डे। भोजन में ऐसी कोई भी चीज जिससे आपको खाने के बाद पूरे दिन आपको एनर्जी फील हो, आप अपनी दिनचर्या के सभी काम अच्छे से कर सके। सो उन सभी पोषक तत्व को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब न्यूट्रिएंट्स है फूड के, मतलब भोजन में ये सब पाए जाते हैं पोषक तत्व। अब ये सभी कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड के, कंपोनेंट्स मतलब जिन चीजों से मिलकर हमारा भोजन बना है। तो अगला टॉपिक हम बुक से रीड करते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हमारा फूड किन चीजों से मिलकर बना है। सो अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल, विटामिन्स, राइट। सो इनके बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे। सो मेदू एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन देयर स्कूल। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लिव हेल्दी। द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स displaying different kinds of traditional dishes. Dr. Poshita, a nutritional expert, explains to student that health is the ultimate wealth. So, Medu और Mishti के school में एक traditional food festival लगा है, जिसमें अलग-अलग states के आप देख सकते हैं different traditional dishes हर stall पर मिल रहे हैं। और इसका theme क्या है इस मेले का? So, यहाँ लिखा है eat healthy, live healthy. स्वस्थ आहार, स्वस्थ जीवन। अगर हमारा भोजन स्वस्थ है तो हमारा जीवन भी, हमारी life भी पूरी हेल्दी हो। अब यहाँ पर उनके साथ एक डॉक्टर पोषिता हैं, जो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं, जो न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी रखती हैं, वो बताती हैं स्टूडेंट को कि हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, मतलब हमारी जो सेहत है वो हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आगे दिया है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोषिता मींस बाय द स्टेटमेंट। डॉक्टर पोषिता ये जो स्टेटमेंट कहती हैं दैट हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। सो हैव यू एवर मिस्ड अ मील? हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील? क्या कभी आपने अपना भोजन स्किप किया है, जैसे खाने का टाइम हो फिर भी आप ना खा पाए हो, तो थोड़ी देर बाद आपको कैसा फील होता है? सो लेट्स सी, वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन We do not eat for some time. हम थके हुए महसूस करते हैं, एनर्जी कम होती है, थकान महसूस होती है। So why do you think a marathon runner drink glucose water during and after a race? आपने रेस दौड़ते हुए बहुत सारे मैराथन रनर्स को देखा होगा, वो बीच बीच में ग्लूकोज ड्रिंक लेते रहते हैं और रेस के बाद भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज पीते ही उनको इंस्टेंटली तुरंत एनर्जी मिलती है। सो ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बो
कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट का, जो अभी हमने एक न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, राइट. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आर डाइट्स. जो हम भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है. सो क्या क्या सोर्सेज हैं आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं. सीरियल्स लाइक वीट, राइस, मेज, वेजिटेबल लाइक पोटेटो, स्वीट पोटेटो एंड फ्रूट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल एंड मैंगो आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इन सभी चीजों से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट. सो आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखनी है कि इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हमें तुरंत एनर्जी मिलती है. डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो हम चीनी खाते हैं ना वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है. सो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना, एक न्यूट्रिएंट्स देख लिया, अब नेक्स्ट हम जानते हैं फैट के बारे में. सो व्हाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डू एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट्स इन विंटर? आपने देखा होगा ठंड के समय में आपके घर में लड्डू बनते होंगे, गोंद के लड्डू. सो क्यों बनते होंगे, क्यों खाना चाहिए? तो देखिए बच्चा यहाँ कह रहा है, यस माई ग्रैंडमा टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म. जो लड्डू होते हैं घी और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनसे मिलकर बनते हैं और ये हमें एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं और ठंड में हमें गर्म भी रखते हैं. सो किन चीजों से मिलकर ये लड्डू बनते हैं देखते हैं. बेसन और वीट फ्लावर. वीट फ्लावर मतलब गेहूं का आटा. सो बेसन, वीट फ्लावर एंड घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डू. इंग्रेडिएंट्स मतलब जिन जिन चीजों को मिलाकर लड्डू बने हैं. सो ये तो मेन चीजें होती हैं. इसके अलावा गोंद, एडिबल गम, एडिबल मतलब खाने योग्य, जो खाने योग्य गोंद होती है उसको मिलाया जाता है. फिर नट्स एंड सीड्स, इन सबको मिलाकर हम लड्डू बनाते हैं. सो घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कॉम्पोनेंट विच इज कॉल्ड फैट. सो फूड कॉम्पोनेंट में हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, अब फैट क्या होता है? जो भी ऑयली चीजें है ना, ऑयल्स हो गए अलग अलग कैटेगरी के, तो जो भी चिकनाहट वाली चीजें हैं उसे हम फैट की कैटेगरी में रखते हैं. इसके कौन कौन से सोर्सेस है, कहाँ से हमें फैट मिलता है? सो सोर्सेज ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. ये हमें प्लांट्स से भी मिलते हैं और एनिमल्स से भी मिलते हैं, जैसे कि नट्स सच एज ग्राउंड नट्स, वॉलनट्स, कोकोनट्स, आमंड्स, राइट. ऐसे ही सीड्स सच एज पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये कुछ सोर्स है जो जिनसे हमें फैट मिलता है. सो फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी. अब देखो स्टोर्ड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? अभी हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब पढ़ा तो हमने क्या देखा कि उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. फैट जो है ये स्टोर्ड एनर्जी होता है, इससे भी हमें एनर्जी ही मिलती है, लेकिन ये एनर्जी क्या होती है, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है. जब कभी हम जैसे व्रत रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं ना, खाना नहीं खा पाते बहुत समय तक, सो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, राइट. सो फैट क्या है? स्टोर्ड एनर्जी है जो इंस्टेंटली हमारी बॉडी यूज नहीं करती, इसको हमारी बॉडी में स्टोर करके रख. सो इससे हमें क्या पता लगा कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज. दोनों ही हमें एनर्जी देते हैं, बस क्या फर्क है वो मैंने आपको जस्ट समझाया. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. इसीलिए इन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को और फैट्स को. आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ऐसे ही आप और भी आइटम्स पता कर सकते हैं जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है और फैट्स. सो कार्बोहाइड्रेट के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? राइस है, रोटी है, इन सब में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. फैट्स के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? बटर, मक्खन जो आप खाते हैं, राइट. अब यहाँ दिया हुआ है मोर टू नो. पोलर बेयर एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन. दिस फैट सर्व एज एनर्जी सोर्स. इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप हाइबरनेशन एनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग. सो पोलर बेयर जो होते हैं ना, इनकी स्किन के नीचे फैट जमा हो जाती है. एक्यूमुलेट होना मतलब जमा हो जाना, फैट की लेयर बन जाती है. और आपको पता है ठंड के समय में ये कुछ खाए बिना बहुत लंबे समय तक सोते रहते हैं, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइबरनेशन. सो बिना खाए पिए ये इतने समय, महीनों सोते हैं ये, तो कैसे इनकी बॉडी को एनर्जी मिलती है? सो ये जो स्टोर फैट है ना इनकी स्किन के नीचे, ये इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है जब वो हाइबरनेशन वाली कंडीशन में होते हैं. हाइबरनेशन मींस कि लंबे समय तक गहरी नींद लेते रहना. सो हमने कार्बोहाइड्रेट्स जाना, फैट्स जाना, अब हम दूसरे सोर्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटीन. सो प्रोटीन आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर फूड. प्रोटीन भी हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है. मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. सो हमें मिल्क और दाल से,
बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है. स्पोर्ट पर्सन नीड प्रोटीन इन लार्ज क्वांटिटीज टू बिल्ड देयर मसल्स. जो खिलाड़ी होते हैं उनको बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, सो उनकी मसल्स बहुत स्ट्रांग बने और अच्छे से बिल्ड हो इसके लिए उन्हें प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. सो पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. देखिए, हमें प्लांट सोर्सेज से भी प्रोटीन मिलता है और एनिमल सोर्सेज से भी प्रोटीन मिलता है. सो देखते हैं कि प्लांट सोर्सेज कौन कौन से हैं. सम प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर पल्सेज, बीन्स, पीज एंड नट्स. ऐसे एनिमल सोर्सेस कौन से हैं? मिल्क, पनीर, एग, फिश एंड मीट. सो ये सारे सोर्सेस हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है. प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आर बॉडी. प्रोटीन रिच फूड से क्या होता है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और कहीं जैसे कट लग गया या बॉडी में कुछ चोट लग गई है तो उसको रिपेयर करने में बॉडी को भी चोट कैसे ठीक हो जाती है ना थोड़े समय बाद. सो प्रोटीन उसमें हेल्प करते हैं. ओके, सो दैट्स वाई दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं. अब आगे देखते हैं. द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए उनकी डाइट में, उनके भोजन में अच्छी मात्रा में प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए. विच ऑफ दीज फूड कॉम्पोनेंट्स आर पार्ट ऑफ योर डेली डाइट. आपने अभी जो भी चीजें देखी उसमें से आप अपनी डेली डाइट में क्या क्या खाते हैं वो आपको बताना है. जैसे दाल हम लोग अधिकतर खाते हैं, राइट, तो ये सब चीजें हमें खानी चाहिए. देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, मशरूम. सो हैव यू एवर seen mushroom? They grow mostly in dark and moist places. Edible mushrooms are good sources of protein. जो edible mushroom होते हैं, edible मतलब अभी मैंने आपको बताया खाने योग्य, जो खाने योग्य मशरूम होते हैं इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. ओके, देन why do you think we are advised to include servings of fruit, vegetables and other plant based food in our daily diet? हमें क्यों कहा जाता है फल खाओ, सब्जियां खाओ daily? तो इसके बारे में हम आगे समझते हैं. Let us understand the importance of some other food components by reading the following two cases. Do cases ke through inko hum samjhenge. So case one, in earlier times during long voyages sailors often suffered from bleeding and swollen gums. Pehle ke samay mein voyages matlab yatra, sailors matlab navik jo nav chalate hain. Jab samudri yatra par navik jate the to ek problem unko hoti thi ki unke masoodon se khoon aa raha hai ya fir unke masoodon mein soojan aa gayi hai, gums mein soojan aa gayi hai. During a voyage in 1746 Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemons and oranges recovered from these symptoms. ऐसे ही एक यात्रा के दौरान 1746 में एक स्कॉटलैंड के फिजिशियन थे जेम्स लिन. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिन भी सेलर्स ने, जिन भी नाविक ने नींबू खाया है या ऑरेंज खाया है तो उनको ये बीमारी नहीं हो रही है, ये सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, मतलब उनके गम्स से खून नहीं आ रहा है और गम्स में स्वेलिंग भी नहीं आ रही है. सो ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी. सो खून आना मसूड़ों से या मसूड़ों में सूजन होना, ये स्कर्वी बीमारी के लक्षण है. What do you interpret by reading case one? Case one को पढ़ के आपको क्या पता चला? What cures scurvy? Scurvy से हम कैसे deal कर सकते हैं? Lemons and oranges helps in curing scurvy. नींबू, संतरे ये help करते हैं scurvy को ठीक करने में. Scurvy is caused due to deficiency of vitamin C. Vitamin C की कमी के कारण scurvy हमें होता है. So vitamin C presence in citrus fruits like lemon and oranges helps in curing this disease. So citrus fruits क्या होता है? खट्टे फल. ठीक है, सो विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है जैसे कि लेमन एंड ऑरेंजेस. सो दूसरा केस देखते हैं. इन द 1960s इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इन हिमालयन रीजन एंड नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक वर प्रीवेलेंट. इस तरीके से गर्दन पर आगे सूजन आ जाती थी. सो 1960 में साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, हिमालयन रीजन में नॉर्थ पार्ट में इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं लोगों में. सो एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt. So government ने क्या norm बनाया? Norm मतलब rule बनाया कि जो normal salt है, common salt जो नमक खाते हैं, उसमें iodine की मात्रा मिलाई जाएगी required quantity में, जितनी जरूरत है, और लोगों को ये provide किया जाएगा. So consumption of iodized salt visibly reduced the above symptoms. So iodized salt खाने के बाद ये symptoms में कमी आई. These symptoms were due to deficiency of iodine in the soil of this region.
रिजल्टिंग इन अ लैक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड एंड वाटर सप्लाई। ये जो रीजन है जहां पर ये बीमारी पाई जा रही थी, वहां की मिट्टी में आयोडीन की कमी है, जिसके कारण ये सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि वहां के फूड क्रॉप्स जो उगाए जाते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा नहीं मिलती है, या वहां का जो पानी है उसमें भी आयोडीन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। सो स्वेलिंग एट फ्रंट ऑफ द नेक इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज कॉल्ड गोइटर। ये जो स्वेलिंग हो रही है, सूजन आ रही है गर्दन पे, इस बीमारी को क्या कहते हैं? गोइटर। सो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम केस टू? केस टू से हमने क्या सीखा? यू मे हैव लर्नड अबाउट आयोडाइज सॉल्ट थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट और बाय रीडिंग अबाउट इट ऑन सॉल्ट पैकेट। आपने आयोडीन के बारे में जरूर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, या फिर टीवी पे आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, या नमक के पैकेट पे भी आपने पढ़ा होगा। सो व्हाट डज इट मींस? इसका मतलब क्या है आयोडाइज सॉल्ट का? सो आयोडाइज सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट मिक्सेस विद रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन। ये नॉर्मल सॉल्ट को ही कहा जाता है, बस इसमें आयोडीन की मात्रा मिला दी जाती है ताकि इससे हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आयोडीन मिल सके। ये बहुत कम चाहिए होता है हमारी पूरी लाइफ साइकिल में आयोडीन, लेकिन कमी के कारण हमें फिर गोइटर हो जाता है। यहाँ दिया है मोर टू नो, रीड करते हैं। सॉल्ट फार्मिंग इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी नेम अघरियाज। अघरियाज एक कम्युनिटी है जिनका मेन काम है नमक बनाना। सो दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। गुजरात के रन ऑफ कच्छ एरिया में ये लोग सॉल्ट बनाने का काम करते हैं। फॉर 8 months दे लिव इन एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वॉटर। सो रेगिस्तान में 8 महीने ये लोग बहुत गर्मी में रहते हैं, कड़ी मेहनत करके समुद्र के पानी से ये इस तरीके से नमक बनाते हैं। नाउ How would you find out more about food components that protect our body from various disease? आप कैसे पता करेंगे कि कौन से food component हमको किस बीमारी से बचाते हैं? So let us conduct a survey. So इस activity में क्या करना है ये सब हम next part में देखेंगे, क्योंकि video already lengthy हो गई है। Next part में बाकी का chapter हम cover करेंगे। So I hope आप सभी chapters देख रहे हैं, सभी chapters के links description box में है, please go through that. Okay? I hope you are loving these videos. If you do so, please like and share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.